तो ये राजस्थान सरकार का आम बजट कल आने वाला है, जिससे हर वर्ग को उम्मीद है कि राज्य सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ बजट में अवश्य लेकर आएगी और उसी को लेकर हर वर्ग उत्साहित भी है। और इसी कड़ी में राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ भी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। उन्हें भी इस बार के बजट से खासी उम्मीद है और इसी को लेकर बीकानेर संवाददाता किशोर सिंह बिदावत ने कर्मचारी नेताओं से बात की कि उन्हें आखिर क्या कुछ उम्मीद इस बार के बजट से है। सरकार का बजट आने वाला है और इस राजस्थान सरकार के आम बजट से आम खास सबको कुछ न कुछ उम्मीद है। इसी को लेके हमारे साथ आज कर्मचारी संघ के महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कर्मचारी संघ इस बजट से क्या उम्मीद रखता है, वो क्या उम्मीद रखता है कि कर्मचारियों के लिए सरकार ऐसी घोषणाएँ करे जिनसे उनका उद्धार हो। मनीष जी, आप बताएं बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? जी बिल्कुल, बजट से जो राज्य सरकार का बजट जो पेश होने वाला है उससे हम कर्मचारियों को बहुत आशा है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि इस कोरोना काल में रात दिन उन्होंने काम किया और उसके बावजूद सरकार ने वेतन कटौती करी थी, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और जो कि मैं मंत्रालयिक वर्ग से आता हूँ तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मंत्रालयिक वर्ग काफ़ी लंबे समय से अपने ग्रेड पे 3600 की मांग को लेकर संघर्षरत है और उन्होंने काफ़ी लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं। 2017 में उन्होंने आंदोलन किया, 2018 में उन्होंने आंदोलन किया, तो अब 2020 हो चुकी है और अभी तक हमारी मांगों पर राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम कर्मचारी ये चाहते हैं कि अब राज्य सरकार को कर्मचारियों की सुध लेकर उनको जो आर्थिक लाभ मिलना है वो उनको इस बजट में प्राप्त हो। इस बजट में ग्रेड पे 3600 की घोषणा राज्य सरकार कर कर्मचारियों को, जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनको तोहफा देवे, साथ ही जो 30-10-17 वेतन कटौती जो पूर्ववर्ती सरकार ने करी थी उसको वापस लेते हुए, वापस 7वें वेतनमान में एकदम सही तरीके से उसका फिक्सेशन करते हुए और फिर हमें ग्रेड पे 3600 का लाभ दिया जाए, ये मंत्रालय कर्मचारियों की आशा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी से है। नमस्कार, मनीष विधानी प्रदेश अध्यक्ष। मनीष विधानी जी, ये जानकारी थी हमारे साथ प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गहलोत जी, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या उम्मीद है। और नए युवाओं के लिए भी मांग की जा रही है, बार बार मांग की जा रही है कि नई भर्तियों का सृजन किया जाए, नए पदों का सृजन किया जाए। जितेंद्र गहलोत जी, आप क्या उम्मीद रखते हो राजस्थान गवर्नमेंट से? राजस्थान गवर्नमेंट से उम्मीद तो काफ़ी रखते हैं सर, और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय बजट में कर्मचारियों के हितों के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे और जो संगठनों की जो मांग है उनको शायद बजट में पूरा करेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। धन्यवाद। जितेंद्र, आपकी क्या योजना है? मैं रमेश उपाध्याय, PhD प्रभारी, एकीकृतवा से। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब पे हमारे कर्मचारी लंबे समय से आश टिकाए हुए बैठे हैं, जो कर्मचारियों की जो कटौतियाँ कट रही है अभी उसके लिए कर्मचारी आश लगाए बैठे हैं बजट पर। और अभी कर्मचारी वेतन मांग के लिए जो अभी 3600 पे ग्रेड वाला है उसके लिए भी इंतजार कर रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक गवर्नमेंट ने कोई तरह की वैकेंसी नहीं खोली है। तो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए और हर वर्ग बजट का इंतजार में है, क्योंकि अभी जो पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, पेट्रोल की वजह से आम नागरिक की कमर टूट चुकी है, महंगाई की वजह से सब्जी के, दाल, आटा, चावल, हर चीज़ के भाव बढ़ चुके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आम जनता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी वर्ग का ही रखें, जनता का भी रखें और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इसका बजट का है वो अच्छी घोषणा करें, समाज को राहत पहुँचे, यही मेरी प्रबल इच्छा है माननीय अशोक गहलोत साहब से। राजस्थान की गहलोत सरकार से हर वर्ग को उम्मीद है कि बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ खास किया जाएगा। इसी को लेकर हमने मंत्रालय कर्मचारी संघ से बात की जो लंबे समय से संघर्ष करता आया। कैमरामैन उमेश सिंह राजासर के साथ किशोर सिंह विदाउत, न्यूज इंडिया, बीकानेर।